चलिए तो हम एक बहुत ही सॉफ्ट डिनर रोल या पाव बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कप पानी लिया है, ये गुनगुना पानी है, यानी न ज़्यादा ठंडा है और न ज़्यादा गर्म। ये इतना है कि उंगली इसकी गर्मी बर्दाश्त कर ले और जले नहीं। तो यहाँ पर हम डालेंगे मैदे को खमीर करने के लिए 1/2 टीस्पून खमीर हमने डाला है, और खमीर की खुराक होती है मीठा। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, तो 1 टी स्पून एंड 1.5 टी स्पून हमने ये चीनी डाल दिया। और अब इसे 5 मिनट तक छोड़ भी दे सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पर आप मैदा मिलाकर अपने काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो हम इसमें मैदा मिलाने के प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो इस प्रोसेस की शुरुआत में हम सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालते हैं। यहाँ पर मैंने कैनोला ऑयल लिया है, आप चाहें तो रूम टेम्परेचर वाला बटर भी इसमें डाल सकते हैं। और अब यहीं पर हम नमक डालेंगे, अब 1/4 टी स्पून यहीं पर हम नमक डालते हैं। और साथ ही ये हमने लगभग 1/4 कप मैदा लिया है, जिस कप से हमने पानी को नापा था उसी कप से ये 1/4 कप मैदा है। तो यहाँ पर हम इसी पानी में इस मैदे को डालते हैं। तो यहाँ पर हम इसी पानी में मैदे को डालेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना मैदा समाता है। अगर थोड़े बहुत पानी की ज़रूरत होगी तो हमने रिजर्व में 1 कप गुनगुना पानी और रखा हुआ है। चलिए तो ये प्रोसेस तो हो चुका। आटा थोड़ा मेसी लग रहा है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इससे भी रोल बन जाएगा। हम गूंथते वक्त थोड़ा ड्राई आटा ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके किचन में किसी गर्म जगह पर रख देना है, ताकि ये जल्दी राइज कर जाए। चलिए तो ये काम तो हो गया, अब इसके राइज होने का वेट करेंगे। तक उधर मैदा राइज हो रहा है, हम यहाँ पर बेकिंग ट्रे को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। चलिए अब इसे एक तरफ रख दें। लगभग 1 घंटे के बाद देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये खमीर हो चुका है। तो अब इसके लिए हमें थोड़ा सा सूखा आटा इस्तेमाल करना होगा। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतने आटे से हमारा ये 3 रोल तैयार हुआ है। इसे मैं टिन में डालूंगी और फिर 1/2 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दूंगी। तो इस तरह से मैंने टिन में इनको डाल दिया है, आप देख सकते हैं 1/2 घंटे बाद ये राइज कर चुका है। तो अब हम इसे ऊपर से एक वॉश कर देंगे, ताकि ये ऊपर से अच्छा दिखे।
और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा सा तिल ऊपर से डाल दें। तो चलिए 170 सेंटीग्रेड पर मैंने 5 मिनट तक अपने माइक्रोवेव को प्री हीट कर लिया है, तो अब इसे मैं बेक करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पूरे 20 मिनट तक इसे माइक्रोवेव में पकाने के बाद इसका ये कलर मिला है और ये कितना स्पॉन्जी बना है। अभी ये बहुत ही गर्म है तो इसके ऊपर थोड़े से घी की या बटर की कोटिंग कर दें ताकि ये बहुत ही मॉइस्ट हो जाए। आपको देखकर अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि घर पर इस तरह का ब्रेड लोफ या डिनर रोल बनाना कितना आसान है, कितना सेटिस्फेक्शन होता है जब हम इसे अपने घर में बनाते हैं।